मैं हूं एमजे और आज बहुत ही खूबसूरत सुबह है। जैसे कि देख रहे हैं हमारे ये जो रोजेज हैं इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लीव्स निकल के आ चुके हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी आप सबको पता है और अभी जैसे कि देख रहे हैं रिजल्ट। और अभी जो क्लाइमेट है फ्रेंड्स मेरे यहाँ जो ये क्लाइमेट ये हमारे रोजेज के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और अब से फ्रेंड्स मेरी रोजेज की सीज़न स्टार्ट होगी। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स अभी मेरे रोजेज बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो मैरीगोल्ड्स मैंने कटिंग से लगाए थे वो पूरे तरफ फैल चुके हैं, भर चुके हैं पत्तों से। और अभी फ्रेंड्स ये प्लांट पूरे फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स ये प्लांट के ऊपर तैयार हो रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत वेराइटी हमारे मैरीगोल्ड्स की अभी ब्लूम्स पे आ चुकी है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे होगी कि मैरीगोल्ड्स में हमें ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारे जो मैरीगोल्ड्स है वो सक्सेसफुली ग्रो हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ मैरीगोल्ड्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाते। मोस्टली फ्रेंड्स ये जो न्यू गार्डनर्स है उनके यहाँ मैरीगोल्ड्स थोड़े से टफ रहते हैं। वैसे तो मैरीगोल्ड्स वन ऑफ द इजीएस्ट प्लांट है ग्रो करने के लिए। अगर आप सीड से लगाओगे तो अभी भी आप सीड से लगा सकते हो, अगर आप कटिंग्स लगाना चाहते हो तो अभी भी आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हो, ये आराम से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैरीगोल्ड्स में सबसे बड़ी एक दिक्कत जो आती है वो है पेस्ट की। और यहाँ पे ही फ्रेंड्स हम सबसे पहली गलती कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैरीगोल्ड्स इजीली फ्रेंड्स फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है, मैरीगोल्ड्स इजीली थ्रिप्स और माइट से इन्फेक्टेड हो जाता है। ये जो डिजीज़ है ये तीन मेजर डिजीज़ है जो मैरीगोल्ड्स के ऊपर आसानी से लग सकती है। उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे पेस्ट है जो मैरीगोल्ड्स पे आराम से लग सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमें सीधी एक ही चीज़ करनी है, वो है इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड का स्प्रे करना। अब यहाँ पे सवाल बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन सा इंसेक्टिसाइड कौन सा फंगीसाइड स्प्रे करना है। देखिए फ्रेंड्स फंगीसाइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा फंगीसाइड स्प्रे करना है। लेकिन मैं अपनी साइड से बोल रहा हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। मैं अपने ये जो मैरीगोल्ड्स हैं मैरीगोल्ड्स के ऊपर फ्रेंड्स मैं बायो फंगीसाइड का इस्तेमाल करता हूं। बायो फंगीसाइड एक ऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड होता है जिसके अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं और वो फंगस को डेवलप नहीं होने देते। ये जो चीज है ये बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड ये मैं हफ्ते में एक बार स्प्रे कर लेता हूं। ये बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड हमें 2 ml लेना है, 1 liter पानी में मिक्स करके हम अपने प्लांट्स के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड स्प्रे करते हो तो बाद में आपको केमिकल फंगीसाइड स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप केमिकल फंगीसाइड बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड के साथ स्प्रे कर लोगे तो बाद में आपके रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके जितने भी बायो ऑर्गेनिक फंगस है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यूज करो केमिकल फंगीसाइड। अगर आपको ऑर्गेनिक में नहीं जाना है और आपको रिजल्ट एकदम ही फास्ट लेना है तो बाद में आप केमिकल फंगीसाइड में जा सकते हो। केमिकल फंगीसाइड में फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन सबसे फेमस जो केमिकल फंगीसाइड है और सबसे सक्सेसफुल जो केमिकल फंगीसाइड है वो है बेविस्टिन। बेविस्टिन फंगीसाइड अगर आप स्प्रे करोगे हफ्ते में एक बार, 1 gram जितना हमें बेविस्टिन पाउडर लेना है, 1 liter पानी में मिक्स करके अगर आप स्प्रे कर लोगे अपने ये मैरीगोल्ड्स के ऊपर हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे मारोगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर कभी भी फंगस नहीं लगेगा। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने फंगस का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अब बारी आएगी इंसेक्टिसाइड की, यानी कि माइट्स थ्रिप्स जैसी बीमारियां होती है उसकी वजह से हमारे प्लांट्स खराब होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आप एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करिए। एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे मैं हर हफ्ते एक बार कर लेता हूँ। अगर आप एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे नहीं करना चाहते तो बाद में रोगोर इंसेक्टिसाइड है वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके मैरीगोल्ड्स के ऊपर। इससे आपके प्लांट के ऊपर माइट्स और थ्रिप्स नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की है, यानी कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं किया है, तो आपके प्लांट के ऊपर ऑलरेडी माइट्स ने अटैक कर लिया है। और जब आपके प्लांट के ऊपर माइट्स ने अटैक कर लिया है तब एमिडाक्लोप्रिड और रोगोर इंसेक्टिसाइड काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको लेना होगा ओमाइड इंसेक्टिसाइड जो स्पेशली माइट्स के लिए बना हुआ है। ओमाइड इंसेक्टिसाइड आपको 1 ml लेना है, ठंडे पानी में मिक्स करना है और शाम के वक्त इसका स्प्रे करिए। ये आप 2 स्प्रे करोगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर से माइट्स एकदम हट जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।
तो ये चीज अगर आपके प्लांट के ऊपर अगर माइट्स लगे हैं तो बाद में आप ये चीज कर सकते हो। जब भी आपके प्लांट के ऊपर माइट्स लगते हैं तो सबसे पहले आपके जो प्लांट के जो लीव्स है उसके ऊपर सफेद सफेद करके टाइनी स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और लीफ को अगर आप पलटाओगे तो लीव्स के पीछे फ्रेंड्स आपको लाल कलर के डॉट्स जैसे देखने को मिल जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट के ऊपर माइट्स लगा है, तो उसका इलाज सबसे पहले कर लीजिए, नहीं तो वो पूरा प्लांट को खत्म कर लेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो ये चीज आपको करनी होगी, तो ध्यान से समझ लीजिए सारी बातें, और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भी अभी वीडियो में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये तो इंसेक्टिसाइड का प्रॉब्लम हो गया, बारी आएगी फर्टिलाइजर की। अब ये जो मैरीगोल्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड्स को ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे ही बहुत सारे न्यू गार्डनर्स मिस्टेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड्स को फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए ही नहीं। आप इनको अगर जितना ज्यादा फर्टिलाइजर दोगे, ये प्लांट आइदर इसके पत्ते जला देगा यानी कि लीफ बर्न हो जाएगा, या तो ये सिर्फ पत्ते ही निकालता रहेगा, ये कभी भी आपको फ्लावरिंग्स नहीं देगा। अभी जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे मैरीगोल्ड्स के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स बर्ड्स लगे हुए हैं। मैंने ये प्लांट के पीछे किसी भी टाइप का फर्टिलाइजर का स्प्रे भी नहीं किया, सॉइल के अंदर भी मैंने किसी भी टाइप का फर्टिलाइजर नहीं डाला। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप मस्टर्ड के लिक्विड 15 से 20 दिन में एक बार डाइल्यूट करके आप दे सकते हो, इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर ये प्लांट को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये जितना ज्यादा फर्टिलाइजर दोगे तो बाद में आपका जो प्लांट है कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे मैरीगोल्ड्स के सीडलिंग्स में लाया था आप सबके साथ फ्रेंड्स, मैंने अपडेट किया था ये प्लांट के ऊपर। फ्रेंड्स मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने ये प्लांट के ऊपर फर्टिलाइजर का स्प्रे किया था, जो मैं अपने रोजेस के ऊपर स्प्रे करता हूँ वो हिसाब से फ्रेंड्स मैंने कभी कभार फ्रेंड्स ये प्लांट्स के ऊपर से स्प्रे कर लिया। स्प्रे करने के बाद ये प्लांट का रिजल्ट देखिए, बहुत ही खराब रिजल्ट है। प्लांट ने ग्रोथ एकदम स्टॉप कर दी है, ठीक से ग्रो नहीं हो रहा। तो ये जितने भी मेरे जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स लाया था उसके अंदर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैंने फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया था। अब मैरीगोल्ड्स, ये जो मैरीगोल्ड्स है, बाद में यहाँ पे जो मेरे मैरीगोल्ड्स देख रहे हैं इसके ऊपर फ्लावर बर्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ये प्लांट मुझे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके दे रहे हैं। मैंने ये प्लांट के पीछे बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन अप्लाई नहीं किया, महीने में एक बार या तो समझ लीजिए 20-25 दिन में एक बार मैंने एवरेज इसके अंदर मस्टर्ड के एक लिक्विड डाइल्यूट करके डाल दिया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो चीज़ फर्टिलाइजर, ओवर फर्टिलाइजर ये प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, ये प्लांट अपने आप ही ब्लूम्स दे देगा। अब बहुत सारे लोग मैरीगोल्ड्स तो ला देते हैं लेकिन उसकी पिंचिंग नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैरीगोल्ड्स को अगर आप पिंच करोगे तो बाद में ये जो मैरीगोल्ड्स है आपके बुशी बन जाएंगे, जैसे कि ये जो देख रहे ये प्लांट कितना बुशी बन चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लांट के पीछे मैंने पिंचिंग की थी। पिंचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इनिशियल स्टेजेस में, ऐसा नहीं है कि पिंच करते रहो, ऐसा नहीं है। ये प्लांट को पिंचिंग की जरूरत होती है लेकिन बहुत कम, जैसे कि फ्रेंड्स 15-20 दिन में एक बार आपने ये प्लांट को पिंच कर दिया, प्लांट के ऊपर से नई शूट्स निकलने स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमें पिंचिंग नहीं करनी है, वो नई शूट्स आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस करेगी। तो एक बार पिंचिंग कर लो अपने प्लांट के ऊपर, अगर आप नया प्लांट लाए हो लगाया हो, बाद में ऊपर से आप उसको पिंच कर दो, नीचे से नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, वो नई ब्रांचेस भी थोड़ी सी बड़ी होगी, बाद में ऊपर से उसको पिंच कर दो तो बाद में वहां से फिर से वो दूसरी ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा। ऐसे करके फ्रेंड्स ये प्लांट को हम बुशी कर सकते हो, और एक बार ये प्लांट बुशी हो जाएगा तो आपके प्लांट भी वो कुछ ये हिसाब से फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर देंगे और हेल्दी फ्लावरिंग्स देंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैरीगोल्ड्स के पीछे आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात मैं मैरीगोल्ड्स के पीछे आपको बोलने वाला हूँ, जो आपके मैरीगोल्ड्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स निकाल के दे सकता है, और वो है विनेगर वाला लिक्विड। अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, ये विनेगर वाला लिक्विड मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वो विनेगर वाला लिक्विड फ्रेंड्स मैं अपने रोजेस के अंदर भी अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि रोजेस का रिजल्ट आपने को पहले ही मैंने दिखा दिया था। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इससे फ्रेंड्स विनेगर वाला लिक्विड अगर आप अपने प्लांट में नॉर्मल वाटरिंग करते हो, उसके जगह पे अगर आप विनेगर वाला लिक्विड रेगुलरली डालते रहोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के फ्लावर्स है वो बहुत ही खूबसूरत निकलेंगे, आपके प्लांट की हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इससे आपके जो प्लांट की जो पीएच है, प्लांट की सॉइल की पीएच है, वो थोड़ी सी मेंटेन रहेगी, एसिडिक रहेगी, जो ये मैरीगोल्ड्स को पसंद होती है।
तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके वो पूरी वीडियो आप देख सकते हो। वो वीडियो में मैंने बताया है कि 10 दिन में एक बार डालना है, लेकिन अगर आप डेली भी डालोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं डेली डालता हूँ, ये मैंने खुद ट्राई किया है और मुझे रिजल्ट बढ़िया मिला है। तो 10 दिन में डालने की जरूरत नहीं है, आप डेली डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फाइनली फ्रेंड्स, ये प्लांट की पॉटिंग सॉइल बनाते वक्त आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हो। ये प्लांट को मैंने अभी बताया, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। जितने ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये प्लांट को अगर आप प्रोवाइड करोगे, ये प्लांट नहीं ठीक से ग्रो होगा। तो जब भी आप इसकी जो पॉटिंग सॉइल बनाते हो, वो थोड़ी सी सैंडी पॉटिंग सॉइल रखिए, ज़्यादा कॉम्पोस्ट इसके अंदर ऐड मत कीजिए। 10% जितना कॉम्पोस्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बाकी का हिस्सा फ्रेंड्स आप 40% 50% इसके अंदर सैंड ऐड कर सकते हो, और बाकी का रेशियो आप ये गार्डन सॉइल जो होती है, वो गार्डन सॉइल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये हिसाब की पॉटिंग सॉइल डालनी है। इसके अंदर हमें कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर नहीं डालना, जैसे कि बोन मिल डाल दिया, नीम खली डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल, कुछ भी मत डालिए। सिंपल आप 10% जितना काउडंग कॉम्पोस्ट या तो वर्मी कॉम्पोस्ट डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए और गार्डन सॉइल। ये पॉटिंग सॉइल अगर रहेगी तो बाद में आपके जो मैरीगोल्ड्स है वो सक्सेसफुली ग्रो हो पाएंगे। तो इतनी ही बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। ये गलती अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आपके जो मैरीगोल्ड्स है वो सक्सेसफुली ग्रो होंगे ये विंटर सीजन में। और अभी जो इसकी जो ग्रोइंग सीजन है, ये मैक्सिमम आपको फ्लावर्स देंगे। अप टू मार्च अप्रैल तक ये प्लांट आपको बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देंगे। वैसे तो गर्मियों की सीजन में भी ये चलते हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। 6 महीने एवरेज आप समझ लीजिए, 6 महीने में ये प्लांट फ्लावर्स देके ख़त्म हो जाते हैं। बाद में करना ये है कि यही फ्लावर्स के सीड्स कलेक्ट करने हैं और वो सीड्स को फिर से लगा देना है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। ज़्यादा लंबे टाइम तक ये आपके गार्डन में नहीं रहेंगे, मतलब एक प्लांट आपके गार्डन में लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। या तो आप इसकी कटिंग्स लगाते जाइए या तो इसके सीड्स लगाते जाइए। ये हिसाब से फ्रेंड्स ये प्लांट की लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो यही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फॉलो करनी है मैरीगोल्ड्स के बीच। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।